आप इसके रक्षक हैं। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आप कहेंगे मणिपुर से हमें क्या लेना देना, पर मणिपुर आपको गहराई से समझना है, कैसे आदिवासी गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो रहा है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद पैदा हो रहा है, इसको आप पढ़ते हैं। आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। ये सब भविष्य में क्या होगा, इसी से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आज हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं, मध्य प्रदेश के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। हर वर्ग परेशान है, मैं तो 300 लोगों से रोज मिलता हूं, हर वर्ग परेशान है। कभी इंस्पेक्टर, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। मैं तो सभाओं में पूछता हूं, चलिए भ्रष्टाचार के बारे में बताइए, कहते हैं यहां तो है जी पैसे दो काम दो, 50 एकड़ जमीन होए पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम जुड़ जाएगा, ये हाल है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था सिस्टम बना दिया है ऊपर से लेकर नीचे तक, और आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। 3,30,00,000 रुपए इन्होंने कर्जा लिया, 8,40,000 करोड़ हो जाए, कल 50,000 करोड़ हो जाए, ये करते क्या है इन लोग? 3,30,000 करोड़ का जो कर्जा लिया इसका किया क्या? क्या संविदा वालों को राहत मिली, क्या आशा उषा को राहत मिली, क्या आउटसोर्स वालों को राहत मिली? इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए में कितने बड़े बड़े ठेके दिए, चेक कर लीजिएगा पिछले एक साल में कितने बड़े बड़े ठेके दिए। इन ठेकों में 25% एडवांस से अपनी कमीशन निकाल लो, योजना जाए बाढ़ में,